अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने तैयार किया है मार्बल केक, बहुत जबरदस्त सॉफ्ट मार्बल केक तैयार हुआ है। टी टाइम के लिए आप इस मार्बल केक को बना सकते हैं और चाय के साथ पेश कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त और बहुत ही इजी तरीके से ये केक तैयार हो जाता है। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। बनाने के लिए मेरे पास है 1 कप मैदा, 4 अंडे, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप ऑयल, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। तो स्टार्ट करते हैं। एक बाउल के अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी चीनी, पिसी हुई चीनी ली है मैंने, और 1/2 कप ऑयल। ये दोनों डालकर अब हम इसको बीट करेंगे। बीट करने के बाद एक एक करके आटा शामिल करते जाएंगे। साथ साथ बीट करते जाएंगे। तो मैंने चारों अंडे बारी बारी शामिल करके अच्छा सा अंडों को बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल करूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये मेरे पास है मैदा, मैदे के अंदर शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और थोड़ा थोड़ा करके अब हम इस बैटर में फोल्ड करते जाएंगे। दोनों चीजों को आपने छान लेना है, मैंने छान कर रखा हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छा सा मैदा फोल्ड कर लिया है। अब 1/2 बैटर यहाँ से निकाल कर अलग बाउल में डाल लेंगे। तो मैं 1/2 निकालती हूँ इसके अंदर। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, ऑन कर दिया है और 160 पे आपने इस केक को बेक करना है। ये जो मैंने बैटर निकाला है इसके अंदर अब मैं ये कोको पाउडर डालूंगी और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते हैं। तो केक का बैटर मेरे पास रेडी है। 1/2 के अंदर मैंने कोको पाउडर शामिल किया है और 1/2 मैंने इसी तरह रखा था। अब मेरे पास है मोल्ड और इसके अंदर मैंने पेपर लगाकर इसको ग्रीस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बैटर को बारी बारी शामिल करते जाएंगे। किसी भी स्पून से आप कर लें। अब थोड़ा सा इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके दोनों शामिल करते जाएंगे। इस तरह जहाँ पे आपने चॉकलेट कोको पाउडर वाला मिक्सचर डाला है उसके ऊपर आप ये डाल दें, वनीला एसेंस वाला, और इसके ऊपर आप दोबारा कोको पाउडर का डाल दें। इस तरह कहीं से आपको ये चॉकलेट वाला उभरता हुआ नज़र आएगा और कहीं से आपको ये वनीला एसेंस वाला, बाकी का जो रह गया है वो इस तरीके से डाल देंगे। और अब हम इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मैं अब इसको ओवन में डालती हूँ। तो देखिए केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये केक तैयार हुआ है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं साइडों से इसको थोड़ा लूज कर लूंगी। पेपर को रिमूव कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट
हमारा केक रेडी है। तो इस तरीके से आप केक तैयार करें टी टाइम के लिए, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, और बच्चों के का ये बहुत ही फेवरेट केक होता है। तो इस तरीके से आप केक तैयार करें, बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।